हेलो गाइस, मेरा नाम अशोक और आप देख रहे हैं अशोक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियो ऐप, जो कि कोटक सिक्योरिटी का एक ऐप है। तो यहां पर आप किस प्रकार से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यदि आपको सबसे पहले इसका फुल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। आपको मैं लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट की, कोटक सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कोटक से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक स्टॉक बाई करेंगे, फिर उसके अंदर स्टॉप लॉस बाई लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के अंदर ये चीज़ दिखाने वाले हैं। आप स्टॉक्स के अंदर भी ये कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं, तो आप फ्यूचर के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये हमने एक स्ट्राइक प्राइस ऐड कर रखी है। सबसे पहले हम इसको बाय कर लेते हैं। तो बाय करने का तरीका मैंने ऑलरेडी उन वीडियोस में बता दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक मोटा मोटा तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जितनी हमको क्वांटिटी चाहिए वो हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको क्वान्टिटी ऑलवेज़ 25 के मल्टीपल में डालनी है, 25, 50, 75, 100, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। आप ऐसे नहीं डाल सकते हैं 23, 24 या फिर 26, 27, ऐसे नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्राइस क्या लेनी है, अभी के मान लीजिए आपको आपके हिसाब से कोई प्राइस लेनी है, तो यहाँ पर आप सेट प्राइस लिमिट, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी प्राइस चाहिए वो आप यहाँ पर डालेंगे और आपको इसको यहाँ पर जो स्वैप टू बाई आपको इस पर क्लिक कर इस प्रकार से करना है। तो ये आपका ऑर्डर अभी देखिए पेंडिंग में दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमारी प्राइस नहीं आई है। अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आप मार्केट प्राइस पे भी इसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी ये जो मार्केट प्राइस है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और स्वैप टू मॉडिफाई भी क्लिक करते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने मार्केट प्राइस पे बाय किया है। ये 27 रुपये 45 पैसे पे बाय हो गया है। अब हम इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप पोर्टफोलियो के अंदर जाइए और यहाँ पर आपका जो भी आपने बाय किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सेल टू स्केयर ऑफ, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए हमने इसको बाय किया है 27 रुपये 45 पैसे पे, और हम चाहते हैं जब ये 20 रुपये पे चला जाए तो ये हमारा ऑर्डर बिक जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल ली है कितनी हमको सेल करनी है। यहाँ पर हमने प्राइस डालनी है तो हम इसको डालेंगे 15। और यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन आता है एड सेल ट्रिगर, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जिस प्राइस पर आप बेचना चाहते हैं वो डालना है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो प्राइस है वो मैंने डाली है 15 और एड सेल ट्रिगर ये डाली है मैंने 20, यानी कि जो आपका स्टॉप लॉस आप जो लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे और उससे नीचे का भाव आपको यहाँ पर डालना है। आप इसमें कितना भी डिफरेंस रख सकते हैं, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्यों रखा जाता है डिफरेंस, ताकि जब मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है तो एलटीपी जंप देखने को मिलते हैं। ऐसे में आपका जो स्टॉप लॉस है, यदि वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों यहाँ पर सेम डाल दिए, आपने 20-20 डाल दिए, तो उस केस में क्या होगा, यदि ये जो एलटीपी है ये 20, जैसे अभी 21 रुपये चल रहा है और 21 रुपये से सीधा 19 रुपये आ गया, तो आपका जो ये स्टॉप लॉस है वो नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से डिफरेंस डाल देना है। अब इससे क्या है, 21 से जब ये सीधा 19 भी जाएगा तो ये हमारा 19 पे कट जाएगा, तो ये हमारा जो प्राइस है 20, इसके बाद में 10 रुपये के बीच में जो भी इसको प्राइस मिलेगी उस पर कट जाएगा। वैसे जनरली तो आपका ये 20 रुपये पर ही कट जाएगा, क्योंकि इतना वॉलिटिलिटी बहुत कम चांस में देखने को मिलती है। तो हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पर हम स्वैप टू सेल इस पर क्लिक करते हैं और व्यू ऑर्डर भी देख चल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि टारगेट प्राइस आपका ये कितना है 20, यानी कि इस पे आते ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा सेल ऑर्डर है। अब
यदि आप उसके अंदर प्रॉफिट के लिए ऑर्डर भी लगाना चाहते हैं तो वो आपको लगाना है, तो पहले आपको इसको कैंसिल करना होगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि इसमें एक टाइम पर एक ही ऑर्डर लगता है। अब यहाँ पर आप जाके और यहाँ से आप प्रॉफिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे हम इसमें जाएंगे और प्रॉफिट ऑर्डर के लिए हम इसको ऊपर बेचना चाहेंगे, मान लीजिए हम इसको 30 रुपये में बेचना चाहते हैं, हमने 30 रुपये डाला और यहाँ पर आप इसको ऑफ़ कर देना। यहाँ पर ये हमने इसको ऑफ़ कर दिया और यहाँ पर अब हम लगा देते हैं। तो देखिए अब हमारा जो ऑर्डर है वो लग चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ऑर्डर लग चुका है 30 रुपये पे। जैसे ये जाएगा, अभी चल रहा है ये समथिंग 27 रुपये के समथिंग, और 30 रुपये जाएगा तो ये हमारा आराम से कट जाएगा। और मान लीजिए आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट प्राइस पर बिक जाए, तो मैं मार्केट प्राइस पर क्लिक करूँगा, स्वाइप टू सेल पर क्लिक करूँगा और ये मेरा ऑर्डर कम्प्लीट हो चुका है। तो आप इस प्रकार से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं कोटक नियो के अंदर। ये आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गया, मतलब जितने भी ट्रेडिंग के साधन हैं उनके अंदर स्टॉप लॉस आप इस प्रकार से ही लगा सकते हैं। और कोटक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोटक में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और साथ में आपको इसमें एक फ़ायदा और देखने को मिल जाता है कि इंट्राडे के अंदर आपको ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है, तो आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।